स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए सेगमेंट पे बात करते हैं। ऐसे ही कई सेगमेंट पे हम बात कर चुके हैं, जिसमें स्पाइनल डिफॉर्मेटिव है, ब्लैक फंगस है, और मनोचिकित्सक से संबंधित हमने बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे डिजीज पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड डायरिया पे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस के सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि चाइल्डहुड डायरिया से रिलेटेड क्या कारण है और किस तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर एस के सिंह से। सर, आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम लोग हेल्थ मंत्रा में हर बार एक नए डिजीज, एक नए सेगमेंट पे हम बात करते हैं। ऐसे ही आज हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे बात करने वाले हैं, तो आज चाइल्डहुड डायरिया के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चाइल्डहुड डायरिया क्या है। सबसे पहले चाइल्डहुड डायरिया की बात करें तो डेफिनेशन वाइज अगर किसी बच्चे को पतली दस्त आ रही है 3 या 3 से ज़्यादा प्रतिदिन, तो उसे डायरिया की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। और इन केस अगर मान के चलिए कि संख्या कम है, दो ही स्टूल हुआ है बट लूज हुआ है, पहले से कंसिस्टेंसी चेंज हुई है, तो उसे हम डायरिया की कैटेगरी में मानते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर हम उनके कारणों की बात करते हैं, ये आखिर ये डायरिया मतलब होने के क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस कहे जा सकते हैं? डायरिया के मुख्य कारण लगभग 50% केसेस रोटावायरल और इंट्रोटॉक्सिक ईकोलाई बैक्टीरिया के वजह से होते हैं, जिसमें से लगभग 20% ईकोलाई इंट्रोटॉक्सिक बैक्टीरिया से होता है। बाकी इसके अलावा कालरा होता है, सिजिलोसिस होती है, सालमोनेला का इन्फेक्शन होता है, यास्टीनिया इंट्रोकोलाइटिस होती है, और जियार्डिया लैम्बलिया होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से डायरिया होता है, बट मेजर कारण जो है वो होता है रोटावायरल इन्फेक्शन और इंट्रोटॉक्सिक ईकोलाई बैक्टीरिया की वजह से। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके प्रकार की बात करते हैं, तो डायरिया क्या एक ही तरीके से होता है या इनके भी कोई टाइप्स होते हैं कई? जी, टाइप्स होते हैं, जैसे एक्यूट वाटरी डायरिया होता है जिसमें रोटावायरल और इंट्रोटॉक्सिक ईकोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक्यूट ब्लडी डायरिया होता है, जिसे हम लोग डिसेंट्री कहते हैं जी। और तीसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया। अगर कभी डायरिया 14 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है जी, तो उसे हम लोग परसिस्टेंट डायरिया की कैटेगरी में जी, देखते हैं जी। और एक चौथा प्रकार होता है क्रॉनिक डायरिया, जो कि माल नारिस बच्चों में होता है, ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन के कारणों के वजह से या क्रॉनिक इन्फेक्शन के वजह से होता है। तो ये लगभग 4 प्रकार के डायरिया का टाइप है। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे अभी चार टाइप के आपने डायरिया बताए हैं, हम इनको कैसे, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं, हम घर में हैं और घर में इस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल रही हैं, तो हम कैसे जज करें कि डायरिया है? मतलब क्या लक्षण होते हैं, जो लक्षण हमें पता चले तो उन लक्षण को हम देख के कैसे समझ पाएँ कि डायरिया के लक्षण में? तो सबसे पहला मुख्य है कि पतली दस्त का आना, इसके अलावा उल्टी, पेट दर्द, पेट फूलना, लैट्रिन में ब्लड आना जी, बुखार आना, उल्टी आना जी, और एडवांस स्टेज में बहुत सारे और फीचर आते हैं, जैसे आंखें धस जाती हैं, जैसे संकेन आइस कहते हैं हम लोग जी, और टंग और म्यूकोजा, मुंह के अंदर का जो म्यूकोजा होता है वो ड्राई हो जाता है जी, तो वो डिहाइड्रेशन की स्थिति को दिखाता है जी। डॉक्टर, ये जैसे अभी आपने कई सारे लक्षण हमें बताए हैं, लेकिन कई लोग मतलब जज नहीं कर पाते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि ये नॉर्मल, अगर लूज मोशन अगर ऐसे स्टार्ट हुआ है तो ये नॉर्मली लूज मोशन है, डायरिया से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे मतलब उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि डायरिया कहने के लिए ये है कि स्टूल की फ्रिक्वेंसी 3 या 3 से ज़्यादा प्रतिदिन होनी चाहिए जी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डायरिया के कैटेगरी में है जी, और डायरिया के हिसाब से ही उसका आगे ट्रीटमेंट करना है जी, जी।
अच्छा डॉक्टर, अचानक से जैसे हमें जब जैसे आपने जो लक्षण बताए हैं उससे अचानक से हम लोग ये जज कर पाए कि ये डायरिया है, तो उस टाइम पीरियड में पर्सन को क्या करना चाहिए? मतलब बिफोर ये है कि डॉक्टर को दिखाने से पहले घर में क्या करना चाहिए, क्या कैसे क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे हम कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे निजात पा सकें? जी, डायरिया में मुख्यतः प्रॉब्लम पानी की कमी की होती है और हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचने के पहले सबसे पहले आपको घर में ओआरटी थेरेपी देनी होती है, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में सबसे पहला तो ओआरएस, अगर आपके पास ओआरएस अवेलेबल है तो आप उसको प्रॉपर वे में बना के देना शुरू कर दीजिए, और यदि नहीं है तो आप घर में जैसे आपके पास चावल का माड़ होता है उसमें नमक थोड़ा सा मिक्स करके दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं बिना नमक के, लस्सी में थोड़ा सा नमक मिक्स करके दे सकते हैं, या सिंपली घर में एक रफ आइडिया जैसे चुटकी भर नमक और थोड़ा सा चीनी लेकर के पानी में घोल बना के आप दे सकते हैं। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, और बेहतर है कि बैलेंस ओआरएस जो पैकेट में या लिक्विड में बना बनाया आता है अगर वो अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ओआरएस देना है। डॉक्टर, ओआरएस की बात आप जो कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट में आप बता रहे हैं कि मार्केट में बना बनाया आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बनाना है, मतलब क्या उनको किस तरीके से ले सकते हैं? जो रेडी आता है उसको डायरेक्टली पैकेट को ओपन करके आप ले सकते हैं, या कुछ बनाने की कोई तरीका होता है ओआरएस बनाने का? बाजार में जो उपलब्ध ओआरएस हैं उनमें एक छोटा पैकेट आता है पाउडर फॉर्म में, जिसको 200 ml पानी में मिला के बना सकते हैं जी। पानी उबला और ठंडा किया हुआ हो जी। और एक बड़ा पैकेट आता है जिसको हम लोग 1 liter पानी में बना सकते हैं जी। और एक तीसरा रेडी टू यूज पैकिंग में आता है जी। उसको डायरेक्टली बच्चे को दे सकते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने ओआरएस की दिया हुआ है, जो ओआरएस बनाने और देने की जो है खुराक, तो इसको कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए? मतलब इसका भी कोई एक अमाउंट, कोई एक वो होगा कि इतने मात्रा में आपको देना है बच्चे को? जी, क्वांटिटी में ये है कि थोड़ा सा इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो उसमें मैं क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि जो ORS की क्वांटिटी देनी है, अगर कोई बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसको जितनी बार स्टूल पास कर रहा है, जितना स्टूल पास कर रहा है लगभग उसके इक्विवेलेंट ORS हमें चम्मच से या छोटे छोटे सिप्स में उसको देना है, उसका पूरा अमाउंट कंप्लीट करना है। एक रफ आइडिया बता दें 50 to 100 ml पर स्टूल दे सकते हैं, या दिन भर में कह लीजिए कि लगभग 500 ml ORS हमें रिप्लेस करना है उसको जी। अगर बच्चा 2 साल से 10 साल के बीच का है तो लगभग दिन भर में 1000 ml देंगे जी। और अगर 10 साल के ऊपर है तो जितना पी सकता है उतना देंगे, और मोटा मोटा 2000 ml पर डे इतना जाना चाहिए जी। तो एक रफ आइडिया ये है कि जितना स्टूल में निकलता है उतना लास्ट को हमें रिप्लेस करना है जी। लेकिन ध्यान रहे कि ORS जो देना है उसको सिप्स में देना है, छोटे छोटे सिप्स में देना है, बिल्कुल इकट्ठा नहीं देना है, नहीं तो बच्चा वोमिट कर देगा जी। अच्छा डॉक्टर, ये जो आपने बताया जैसे ORS हमने जो बनाया है, ORS का भी एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जितना हमने, मान लीजिए अगर हमने 1 liter ORS बना रखा है तो उसको कितने टाइम पीरियड तक फिनिश कर देना है? ऐसा तो नहीं है कि वो ORS आज हमने बना लिया और कल तक रखा है तो कल भी पी सकते हैं, तो उसके एक टाइम पीरियड होगा कि इतने टाइम पीरियड तक हमें वो ORS का जो घोल बना है उसको हमें ख़त्म कर देना है? लगभग 12 घंटे तक आप बना के यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसको डिस्कार्ड करके नया बना लीजिए जी। और सर, जो आपने बताया था कि ORS घोल अवेलेबल ना होने की स्थिति में हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ कि अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उस टाइम पीरियड में हम क्या करें? उस स्थिति में घर में जो उपलब्ध है, जैसे आपके पास चीनी है, उबला हुआ पानी ले लीजिए जी, थोड़ा सा उसमें चीनी, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी, और चुटकी भर नमक मिला करके उसको बना सकते हैं जी। तो साल्ट और शुगर का और वाटर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो सफिशियंट होता है शुरुआती स्थिति में जी।
अच्छा डॉक्टर, आपने कई सारे के चार तरीके के डायरिया बताए थे, तो सभी डायरिया का एक ही इलाज है ORS या कोई और तरीका भी है उनसे बचने का? नहीं, पूरा इलाज डायरिया का उसके कारण पे निर्भर करता है। अगर जी जैसे रोटावायरल डायरिया है, जी तो रोटावायरल डायरिया में किसी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। जी उसमें सिंपली आपको ORS ही देना है और जिंक देना है, और जी यूजली 5 से 7 दिन लगता है डायरिया ठीक होने में, अपने आप ठीक हो जाता है। जी लेकिन अगर बैक्टीरियल है जी किसी कारण से, जैसे ब्लडी डिसेंट्री आ रहा है, ब्लड आ रहा है, इंट्रो जी इन्वेजिव प्रॉब्लम है, जी तो वहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। जी तो एंटीबायोटिक वो डॉक्टर को ही चूज करना है कि हमें कब एंटीबायोटिक देना है, कब नहीं देना है। जी अनावश्यक अपने स्तर पे कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। जी और मेजॉरिटी जो डायरिया होता है वो वायरल और इंट्रोटॉक्सिक होता है, तो उसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, जी और मुख्यतः उसका थेरेपी जिंक और ORS ही है। जी लेकिन हाँ, अगर डिसेंट्री है या क्रॉनिक डायरिया है, तो जी उस हिसाब से उसकी थेरेपी चेंज हो जाती है थोड़ी सी। जी ORS और जिंक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। जी जी डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने हिसाब से जजमेंट ले लेते हैं, मतलब जब ऐसे ही कोई दिक्कत परेशानी होने लगती है तो घर में उनका अपने खुद से ट्रीटमेंट करने लगते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि किस टाइम पे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन ऐसा देखें जिस टाइम पे हमें डॉक्टर से कंसर्न करना बहुत ज़रूरी हो और हमें ज़रूरी है कि मतलब उस टाइम पे डॉक्टर्स की ही सलाह मशवरा से इलाज करें? कुछ वार्निंग साइंस होती हैं जिसको पहचानना ज़रूरी है। जी किसी बच्चे को यदि डायरिया हो रहा है या उल्टी हो रहा है, जी तो उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि अगर बच्चे को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, जी जैसे कि हर घंटे में हो रहा है उल्टी, जी तो फिर उसके लिए जल्दी डिहाइड्रेट होगा, तो जी वो खतरा है। जी दूसरा चीज़ ये है कि अगर डायरिया में स्टूल पर्ज रेट बहुत ज़्यादा है, जी मतलब बहुत ज़्यादा पानी जैसा दस्त हो रहा है, जी तो वो उसके डिहाइड्रेशन होने का खतरा ज़्यादा है। जी लेकिन अगर नॉर्मल टट्टी आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा उल्टी नहीं हो रही है, तो जी आपको बच्चे के पेशाब पर नज़र रखना है। जी अगर पेशाब जी कम होने लगे जी और बहुत देर देर से होने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना उचित है। जी डॉक्टर, इसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर कोई टेस्ट वगैरह भी होते हैं कि जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो कोई क्या पर्टिकुलर कोई टेस्ट आप करवा के देखते हैं, किसी तरीके के कोई टेस्ट किए जाते हैं क्या? टेस्ट डिपेंड करता है कि अगर रोटावायरल डायरिया, इंट्रोटॉक्सिक ईकोलाई डायरिया है, तब तो उसमें कोई टेस्ट का बहुत ज़्यादा वो सिग्निफिकेंस नहीं है। बट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, यूरिया क्रेटिन है, सोडियम पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस देखना पड़ता है। जी और अगर परसिस्टेंट डायरिया है, तो उसमें हमें रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस देखने पड़ते हैं। कभी कभी अगर ज़रूरत लगता है, तो हम लोग स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोपी या कल्चर तक करा सकते हैं। कल्चर बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि ई कोलाई नॉर्मली आंतों में रहता है, तो जी कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जी बट रिड्यूसिंग सब्सटेंस के लिए सोडियम पोटेशियम, यूरिया क्रेटिन, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने के लिए जाँच कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो इसके सिम्टम्स बताए हैं चाइल्डहुड डायरिया के, जैसे अधिकतर ये है कि वॉमिटिंग एंड लूज मोशन की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि आपने कोई भारी सामान उठाया होगा जिससे आपकी नाव उतर गई होगी, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस वजह से ये वाले सिम्टम्स उसमें भी होता है कि जब आपकी नाव उतर जाती है तो उस टाइम पीरियड में भी कहा जाता है कि ये उसी का ही लक्षण है, तो उसको और इसको कैसे हम अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहीं देखिए, वो लोग अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। वो डायरिया क्लियर कट है कि अगर दस्त आ रही है या उल्टी है, हल्का बुखार है, तो डायरिया ही है। वो नाव उतरने का कोई लेना देना नहीं है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये है कि डायरिया के जो अधिकतर केसेस आते हैं वो बदलते मौसम के टाइम पे ही आते हैं, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है कि बदलते मौसम के टाइम पे ही ये केसेस जो हैं, जैसे ही सीज़न बदलने लगता है उस टाइम पे ये डायरिया की जो शिकायतें हैं, डायरिया जैसी जो बीमारियां हैं वो एकदम से क्रिएट हो जाती हैं? मुख्यतः ये हमारे वाटर हाइजीन पे निर्भर करता है, जी क्योंकि बारिश के मौसम में जब मौसम बदलता है, जी तो उस समय बारिश के वजह से बहुत सारे पैथोजन, इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल सब अपसर्ज करते हैं। और उस दौरान अगर हमारा पीने का पानी
अगर प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है जी, फिल्टर या बॉयल नहीं है, तो चांसेस पूरे होते हैं कि पानी के थ्रू बच्चे तक कोई इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं और फिर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए ये ज़्यादातर बारिश के सीजन के साथ ही होता है। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसे कोई डायरिया पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, तो डायरिया पेशेंट को क्या चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि उस दौरान वो चीज़ ना करें? हाँ, डायरिया एपिसोड अगर हो रहा है बच्चे को जी, तो पहला चीज़ तो हमें ध्यान रखना है कि उसको प्लेन शुगर वाटर ना दें कभी जी, भी जी, क्योंकि अगर प्लेन शुगर देते हैं तो उसे ऑस्मोटिक डायरिया की वजह से डायरिया और बढ़ सकता है। जी, दूसरा चीज़ ये है कि उसके डेंजर साइन को ध्यान रखें, टाइमली उसको डॉक्टर के पास ले जाएं, जिससे कि पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से उसको गुर्दे के फेल होने या जान का कोई खतरा ना हो। जी, तीसरी चीज़ है कि अगर डायरिया हो रहा है तो बच्चे का न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप, दादा दादी लोग कहते हैं कि दस्त हो रही है, इसको खाना पीना बंद कर दो। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दस्त जब हो रहा है तो उसका न्यूट्रिशनल लॉस हो रहा है, उसको आपको रिप्लेनिश करना है और देना है ज़्यादा से ज़्यादा, न कि उसको बंद करना है। तो ये डेफिनेटली ये हमेशा ध्यान में रखें कि डायरिया के दौरान बच्चे को हमेशा खाने पीने की चीज़ें देते रहें और मदर मिल्क जरूर कंटिन्यू रखें। डॉक्टर, आपने अभी बताया, आप अभी बोल रहे थे कि अगर हम ढंग से इस पर ध्यान अगर ना दें और उसमें किडनी फेल होने के चांसेस भी होते हैं, क्या ऐसा है? बिल्कुल, अगर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा लॉस हो जाने पर गुर्दे के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। जी, इसलिए समय से उसको ध्यान देना जरूरी है। पेशाब कितना आ रहा है, हाइड्रेशन का स्टेटस क्या है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर, क्या इसके अलावा भी कोई और चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं, कोई और डिजीज़, कोई और बीमारी, जैसे अभी आपने किडनी फेल होने की बात की, क्या कुछ और भी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, वो क्या क्या हैं? बिल्कुल, जब पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उस दौरान पानी कमी की वजह से गुर्दा फेल होने की तो स्थिति होती ही है जी। साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम का स्तर शरीर में बदल जाता है, बाइकार्बोनेट इन सब चीज़ों का, तो उसके वजह से ब्रेन में भी डैमेज हो सकता है जी। पोंटाइन हेमरेज हो सकता है और इवन बच्चे को झटके आ सकते हैं, कोमा में जा सकता है जी। और जान भी जा सकती है जी। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें, मतलब ये है कि हम एक डायरिया को एक सिंपल वे में ना लें, क्योंकि डायरिया में लोग कनेक्ट करते हैं कि सिंपल लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, जो दवाई से सही हो जाएगा। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशन में बच्चे की गुर्दे फेल होने से लेकर के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से झटके और कोमा, डेथ तक की स्थिति हो सकती है जी। डॉक्टर, आप अभी बोल रहे थे कि न्यूट्रिशन, जिस टाइम पे हम डायरिया पेशेंट सर्वाइव कर रहा है उस टाइम न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें बच्चे को खान पान में, खाने पीने में क्या चीज़ हमें देनी चाहिए जो उसके लिए हेल्दी रहे, और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए जो उसको नुकसान कर रहा है? डायरिया के दौरान बच्चे को मदर मिल्क कंटिन्यू रखना चाहिए, और प्लस उसको खाने में जैसे घर में बनी हुई चीज़ें, चावल है, दूध है, और खिचड़ी है, दलिया है, केला है, मैश करके, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं जी। तो डॉक्टर, ये बच्चों का जो कैटेगरी है, जैसे बहुत न्यू बॉर्न बेबी, कोई 6 महीने का है, जो 7 महीने का, साल भर का है, जो अलग अलग कैटेगरीज वाइज है, तो उनमें सभी में हम ये चीज़ें दे सकते हैं या उसमें भी कोई डिफरेंशिएट किया जाएगा डाइट में? 6 मंथ के नीचे का जो बच्चा है उसको तो केवल मदर मिल्क ही देना होता है जी, और बस ये है कि उसको अगर डायरियल एपिसोड हो रहा है तो आप साथ में बीच में ORS और प्लेन वाटर का सिप्स भी दे सकते हैं मदर मिल्क के अलावा जी। बाकी 6 महीने के ऊपर के बच्चों को जो हमने बताया, आप सब कुछ बना के दे सकते हैं, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, चावल है, दूध है जी, ये सब मिक्स करके आप ग्रुएल बना के दे सकते हैं जी। इनको बनाने का सर कोई पर्टिकुलर वो होता है कि ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए या इतना ऑयल या इतनी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें भी ध्यान देते हैं? क्वांटिटी होती है, एक रफ आइडिया होता है, बट आप घर में जैसे बनाते हो, थोड़ा सा ऑयल है, थोड़ा शुगर है, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होना चाहिए जी, दूध है, चावल है, या दही में
आप मिक्स करके थोड़ा सा शुगर और साल्ट ये खिला सकते हैं, केला है खिला सकते हैं। तो मतलब पार्टिकुलर अमाउंट तो फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक रेशियो, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा शुगर ना हो, बहुत ज़्यादा साल्ट ना हो। जी डॉक्टर, ये तो आपने खाने पीने की चीज़ें बताई हैं जो हमारी देने वाली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड होती हैं कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो वो क्या चीज़ें हैं? उसमें जैसे प्लेन शुगर वाटर नहीं देना है। जी प्लेन वाटर तो आप बीच बीच में ORS के बीच में सिप्स दे सकते हैं। जी बट शुगर वाटर प्लेन ये सब देने से बचना चाहिए। जी बाकी और कुछ खाने पीने के लिए कुछ बाकी सारी चीज़ें दी जा सकती हैं? हाँ बाकी सब दे सकते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैसेज मेरी तरफ से ये है सभी को कि डायरिया को हल्के में ना लें, और जितना ज़्यादा बच्चा छोटा होता है उतना ही ज़्यादा खतरा उसको होता है डिहाइड्रेशन का, और डिहाइड्रेशन के कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे होते हैं। गुर्दा फेल हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से झटके आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो डायरिया को बिल्कुल हल्के में ना लें, और उसको जो घर में उपलब्ध है सारी चीज़ें उसको जो बताई गई हैं उसके हिसाब से देना शुरू करें, और तुरंत से तुरंत डॉक्टर को मिल करके अपना प्रॉपर इलाज लें। आज के हेल्थ मंत्रा में हमने बात की डॉक्टर एस के सिंह से, जिन्होंने हमें चाइल्डहुड डायरिया से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी काफ़ी समझ में आई होंगी और काफ़ी पसंद भी आई होंगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ में, एक नए डॉक्टर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।